धन्यवाद आपके जी, आप हमारी वीडियो पर आए हैं, आप खुश रहिए और आपके माता पिता भी बहुत खुश रहे। तो आज की रेसिपी है लौकी की फ्राई मोमो, जो कि खाने में बहुत यमी है और साथ में टमाटर की चटनी भी। और आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये फ्राई मोमोज और चटनी कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए लौकी, इनको छील करके बीज निकाल करके इन्हें कट कर लेना है, जितना हमें बनाना है उतना हमने यहाँ पे ले लिया है। और आ जाते हैं कद्दूकस करने के लिए, तो इनको हम कद्दूकस कर लेते हैं। जब ये बढ़िया से कद्दूकस हो जाएंगे तब जो है यहाँ पे पत्ता गोभी और टमाटर ले लिए हैं, तो इनको धुल करके ले लेना है। उसके बाद इन्हें बारीक बारीक कट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब्जी को कट कर लिया है। अगर आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मैदा गूंथने के लिए। तो यहाँ पे मैदा ले लिए एक थाली में और इसमें मिलाएंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से मिला देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और फ्रेंड्स, इनको मिक्स करने के बाद साइड में ग्लास में पानी ले लिए हैं, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालेंगे। तो कुछ ही देर के बाद मैदा इधर हम गूंथ लिए हैं और इनको हम साइड में रख देते हैं, तब तक बना लेते हैं स्टफिंग मोमोज में भरने के लिए। तो डालेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल, जीरा, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा अदरक बारीक कटा। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लहसुन नहीं मिला रहे, हरी मिर्च मिला देना है बारीक कटा। थोड़ा सा पकने के बाद अब इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किए हुआ लौकी और इनको भी फ्राई कर लेना है चलाते हुए। और अब इन्हें हम ढक देंगे पकने के लिए। जब ये कुछ देर पक जाए तब इसमें डालना है पत्ता गोभी बारीक कटा और उसके बाद इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। तो कलछुल से मिला भी लेंगे और जब ये मिक्स हो जाए तब इसमें डालना है मैगी मसाला, यहाँ पे देखिए लिए हैं, इनसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैगी मसाला डालने के बाद इनको भी मिला लेना है और इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद इन्हें ढक कर के पका लेना है कुछ देर, बीच बीच में चलाते भी रहना है। फ्रेंड्स, अब ये सब्जियां बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं और अभी इनको हम कलछुल से चला देते हैं। चलाने के बाद इन्हें हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे चूल्हा पर से। और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें अब डालेंगे रेड चिली सॉस, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है, कम डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके बाद ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, अगर आप इससे ज़्यादा बनाएं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा ये वाइट विनेगर है, इनको भी डाल देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद लास्ट में इसमें डालने चल रहे हैं टोमेटो सॉस, इनको भी देखिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा। और अब इन्हें सबको बढ़िया से मिला लेना है। मिलाने के बाद इनको थाली में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, आप प्लेट में भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये मोमोज की स्टफिंग बनकर के तैयार है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो पे आप ऐसे ही लास्ट तक बने रहें। और इसके साथ खाने के लिए टमाटर की चटनी बनाने चल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर टमाटर और मिर्च ले लेना है कट करके, उसके बाद इन्हें पीस लेते हैं। पीस करके आ गए हैं चूल्हा पर, कढ़ाई को चढ़ा दिए, ऑयल डाल दिए सरसों का, उसके बाद पिसा हुआ चटनी डाल देना है। तो यहाँ पे हम लहसुन अदरक नहीं लिए हैं, आप चाहे तो इसमें पीस भी सकते हैं। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए, जीरा पाउडर, सफ़ेद नमक और मैगी मसाला थोड़ा सा डाल देना है। तो अब इसमें हम डालेंगे पकने के लिए पानी, जितने में बढ़िया से चटनी हमारी पक जाए उतना हमें पानी डाल देना है। तो पकते पकते देख सकते हैं इस तरीके से चटनी जब बन जाए तो इन्हें प्लेट में निकाल लेना है। और अब ये टमाटर की चटनी बन करके तैयार है। और आ जाते हैं मोमोज बनाने के लिए। तो मैदा इधर रेडी हो चुका है, इनकी चकाई कट कर लेते हैं छोटी छोटी मोमोज बनाने के लिए। और हम तो फ्राई मोमोज बनाने चल रहे हैं, तो आप चाहें तो इन्हें भाप में भी पका करके खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से बेलने के बाद इधर एक हम मोमोज बना लिए हैं, अभी आपको मोमोज की डिज़ाइन बना करके दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखती हैं। इस तरीके से आप भी बनाइएगा। स्टफिंग को इस तरीके से रख लेना है, उसके बाद ऐसे चुन्नट बना लेनी है। तो जब ये चुन्नट बन जाए तो इनको कुछ इस तरीके से पकड़ करके हम मोड़ देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अभी इसमें हम चुन्नट ज़्यादा बना दिए हैं एक,
अभी एक और आपको बना करके दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया से। उसके बाद इन्हें पकड़ करके इस तरीके से मोड़ देना है। तो लीजिए अब ये मोमोज बन चुके हैं। और एक और हम बना करके आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इनको यहाँ पे रख लिए हैं, दूसरा यहाँ पे बेलते हैं। सबसे पहले ये देखो लौकी का जो बना करके रखे थे उसको हम इसी में भर लिए हैं। और अब चुन्नट बनाते हैं इस तरीके से। बहुत ही इजी है बनाना। तो देखिए ऐसे पकड़ करके इन्हें बढ़िया से हम बना लेते हैं। और अब इन्हें ऐसे मोड़ देना है। बहुत ही बढ़िया से बन जाते हैं और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इसी तरीके से हम सबको बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनकी बारी आती है फ्राई होने की। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिए, ऑयल भी डाल दिए, गर्म होने के लिए गर्म है अच्छे से। तो इसी में हम सब मोमोज को एक एक करके डाल देंगे। जितना इसमें आ जाएंगे उतना हम डालेंगे। और जब ये एक तरफ अच्छे से पक जाएं तब इनको पलट देना है। अभी देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो जा रहे हैं। थोड़ा सा इनको हम और फ्राई करेंगे और उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं तभी इनको निकालना है छन्नी से छान करके। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि फ्राई हो चुके हैं। और जो मोमोज बचे हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको भी फ्राई कर लेना है। और आपको बता दें इनको हम राइस ब्रान ऑयल में फ्राई किए हैं, आप किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो अब इनको हम थाली में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फ्राई मोमोज और चटनी बनकर के तैयार है। बिल्कुल फूले फूले मोमोज हमारे बने हुए हैं और बहुत यम्मी लगते हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसको हम लौकी से बनाए हैं। और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।